हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ऐसा कहा जाता है कि इंसान को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल यहीं इसी जन्म में मिलता है, लेकिन कई बार दूसरों के बुरे कर्मों की सजा हमें भुगतनी पड़ती है और ये खास तौर पे तब होता है जब हम किसी और पर बिना सोचे समझे अंधा विश्वास कर लेते हैं। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको जिस केस के बारे में बताने जा रहा हूँ वो मेरे सामने तब आया था जब मैं ठाणे के मुमरा पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था। एक सीधी साधी औरत के मर्डर से शुरू हुआ ये केस अपने आप में साजिश और क्रिमिनल एक्टिविटीज की बहुत सारी परतें समेटे हुए था। अरे शालिनी, आओ आओ, आज की तबीयत कैसी है? ठीक है अभी। अच्छा, आपने डॉक्टर को फोन किया, थैंक यू। क्या तू भी, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं। अरे शालिनी वहनी, सुबह सुबह? हाँ, वहनी को थैंक यू बोलने आई थी। कल रात वहनी ने फोन नहीं किया था हॉस्पिटल में, तो आज ही पहुँच नहीं पाती टाइम पे। अभी तबीयत ठीक है ना? ठीक है, चलो वहनी, इतने ध्यान रखना। जो संपदा, चलो मैं निकलता हूँ। नाश्ता तो कर लीजिए। अरे नहीं नहीं, बहुत लेट हो जाएगा, मैं बाहर कर लूँगा। बाबू, बाबू कह रहे प्रवीण, आ जा। लफड़ा है ना, काजी का लड़का है ना, नाके पे कबाब का गाड़ी डाल रहा है। चल देखते हैं उसको, समझाते हैं काजी को। प्यार से माना तो ठीक, मैं तो टांगे काट के फेंक दूंगा उसकी मैं। हाँ, अरे तू टेंशन मत ले रे, ये अपना महाराष्ट्र है ये। नाके पे सिर्फ पूरी भाजी और मिसल पाव का गाड़ी लगेगा और बोर्ड पे ऐसा लिखा होगा स्पॉन्सर्ड बाय अध्यक्ष सुनील पवार करके। लेकिन आप काजी से झगड़ा क्यों करना चाहते, प्यार से भी तो। तू नाटला लोगों को, चल रे गाड़ी काट रहे। कुरड़ी नहीं, मतलब ठीक है तुम ये लेके आयो, लेकिन अपने देसी वड़ा पाव का मजा ही अलग है। और ये क्या, ये सॉस क्या लेके आयो? अरे हिरवी चटनी, हिरवी मिर्ची पाई है ना मोटी मोटी। सर, हेड ऑफिस से फैक्स आया है। देखो, सबको मेरे केबिन में बुला। हेड ऑफिस से ऑर्डर आया है, मुमरा में रेड अलर्ट इशू हुआ है। इसके मुताबिक अगले कुछ दिनों में कोई बड़ी क्रिमिनल एक्टिविटी हो सकती है जिसके लिए भारी तादाद में गैर कानूनी हथियार ठाणे शहर में आने की संभावना है। इसीलिए अगले कुछ दिनों तक अगर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी, आदमी औरत दिखे तो तुरंत एक्शन लीजिए। यस सर। यू मे गो। चाय भाई पी के हो गया ना, चलो निकलो अब यहाँ से। तुम लोग को इधर रूम नहीं मिल सकता, चलो निकलो। भाईजान, भाईजान हम लोग बहुत मुसीबत में, थोड़ा रहम कीजिए बस कुछ दिनों के लिए। अबे कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटे के लिए मैं तुम लोगों को अपने घर में नहीं रखेगा, चलो निकलो। क्या बोल रहे हैं आप, घर आए हुए मेहमानों से ऐसे बात करते हैं क्या? अरे मेहमान की बच्ची, इधर मेरे को मालूम नहीं ये लोग कौन है करके। मालूम, इंसान है हमारे जैसे। इंसानों के हम लोग गलत नहीं है, निकाह करके आए। आपको यकीन नहीं तो हम काजी का करारनामा दिखा सकते, थोड़ा मदद कीजिए हमारी, आपको जो किराया चाहिए हम दे देंगे। ए, 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 के पैसे का लालच दे रहा है तू मेरे को, बोल ना। जबान दी है मैंने, ये यहीं रहेंगे। तेरे को मालूम है ना कौन सी पार्टी के लिए काम करता हूँ मैं? उन लोग को पता चल गया ना कि मैंने इन लोग को अपने घर में रखा है, सबसे पहले मेरे को फोड़ देंगे वो। अभी के अभी कल्टी करवाई इन लोगों को। ए, चल रहे खुदा के लिए हमारी मदद कर दीजिए।
बस कुछ दिनों के लिए हमें यहाँ पनाह दे दीजिए, हम आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, अल्लाह ताला आपकी हर मुराद पूरी करेंगे, बस हमारी मदद कर दीजिए। हाथ जोड़ने की क्या जरूरत है, चलो ठीक है दे दिया मैंने कपड़ा, आप खुश हैं? शुक्रिया जनाब, लेकिन बहुत ज्यादा खुश नहीं होने का, और घर के बाहर ज्यादा घूमना फिरना नहीं, हाँ, और जो नमाज दुआ जो पढ़ता है ना वो ऊपर कमरे में पढ़ने का, वो क्या वो मेरे एरिया में थोड़ा सा टेंशन चल रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। जी जनाब शुक्रिया, कमरा देखो ऊपर जा, आइए मैं आपकी मदद कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, जी खैरियत से पहुँच गए? हाँ रहने को मिल गया, हाँ हम आपको एड्रेस सेंड करते ना, आप अपना बंदा भेज के बक्सा उठा लीजिए, अल्लाह हाफिज़। क्या कहा उन्होंने? वो एक नंबर सेंड कर रहे हैं, उसे फ़ोन करेंगे तो बक्सा लेकर जाएगा। ये लो। अरे बस बस आपा, क्यों मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं खाना तो बहुत लजीज है, लेकिन मेरी खुराक से रकम। वाकई खाना बहुत लजीज है आपा। ये संपदा खाना तो अच्छा बना दिए, लेकिन रोज वेज खा खा के तो बोर हो गया मैं। अगर ये मटन बिरयानी ऐसा कुछ हो जाए तो मजा आएगा। अरे हाँ तुम्हें मटन बिरयानी बनाना आता है क्या? भाईजान मुमताज तो बहुत ही उम्दा बिरयानी बनाती है, आपका पेट भर जाएगा पर नियत नहीं। तो भी ठीक है, कल का प्लान मुमताज के हाथ की मटन बिरयानी। बेशक। क्या हुआ, फोन नहीं लग रहा? रफीक हम फंस गए, यहाँ माहौल बहुत खराब है, ज्यादा दिन नहीं रुक सकते, सामान देकर निकलना होगा। हाँ पर कैसे, रियाज भाई भी फोन नहीं उठा रहे। तो भाई जान को फोन करो ना। हजार बार कर चुके हैं, वो भी फोन नहीं उठा रहे, समझ नहीं आ रहा क्या करें। ये बक्सा तो जान की मुसीबत बन गया। काजी से झगड़ा मत करना। ए काजी तेरे को प्यार से समझाया था मैंने, ये कबाब का गाड़ी बिरयानी का गाड़ी इधर नहीं डालने का, तो ये बात तेरे दिमाग में घुसता नहीं क्या? अरे हमको भी धंधा करने का है ना, कहाँ जाके धंधा करेगा? जब मैं बोल रहा हूँ तो बीच में नहीं बोलने का। अरे क्या बहुत चर्बी चढ़ी है तेरे को, हाँ सिर्फ तू ही नहीं तेरे साथ जो भी है ना सबका खीमा बना के इधर ही बेचेगा मैं, और तेरे को गाड़ी डालने का ही है ना तो उधर जाना, क्योंकि जब तक मैं इधर है ना यहाँ पर ये गाड़ी नहीं लगेगा मैं बता रहा हूँ। ए चल तोड़ रहे, ए उठा के देख, अरे ए तोड़ रहे, अरे वो फेंक दे वो गाड़ी, फेंक दे उधर, ए ए चल रहा है, देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, देखो चलो तोड़ दिया, देखो ये क्या कर दिया, एक मिनट एक मिनट। सुनील भाऊ आप एक पार्टी के विभागाध्यक्ष हो और फिर भी आप सड़क पे ऐसे मारपीट कर रहे हो। अरे साहब ये काजी सलाह, ये बिना म्युनिसिपैलिटी के परमिशन के अपने एरिया में ये बिरयानी कबाब का गाड़ी डाल रहा है, इसको थोड़ा सा सबक सिखा रहा था मैं बस। एक मिनट, अगर गाड़ी बेकायदा है ना तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, खुद सड़क पे उतर के मारपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। वही समझा रहा था साहब मैं उसको, वही आप रुकिए मैं आपसे बाद में बात करूंगा। सुनील भाऊ जरा आप साइड में आइए, गायकोट ये सबको पहले खाली करो इधर से, चला अभी इधर आइए, चला चला चला। सुनील भाऊ ये सब अभी रहने दीजिए, मैं आज आपसे एक मदद मांगने आया हूँ। अरे बोला ना मैं सबकी मदद करने के लिए बैठा हूँ, काय पर बोला? हेड ऑफिस से हम लोगों के पास एक रेड अलर्ट आया है, मुमरा में कोई बड़ी क्रिमिनल एक्टिविटी होने की संभावना है और इसलिए हम सब पर चेकिंग कर ही रहे हैं, लेकिन आप अपने कार्यकर्ताओं से अपने लोगों से मोहल्ले वालों से रिक्वेस्ट कीजिए कि प्लीज अलर्ट रहिए, और खास तौर पे अगर कोई भी नया किराएदार आता है तो सबसे पहले हमें इन्फॉर्म कीजिए। तो ठीक है मैं सबको बोलता हूँ, मुझे जैसे पता चलता है ना मैं आपको पर्सनली बोलूंगा। थैंक यू। ये भाई लोग यहाँ पे तमाशा नहीं चल रहा, चलो निकलो, ये चल जा रहे। सुनी ना सक तू, गुस्सा क्या तेरे दिमाग में, मैं क्यों मना कर रहा था इन लोगों को रखने के लिए। चलो अभी निकलते हैं यहाँ से, इससे पहले कोई देख ले, चलो। हाँ पा,
दीजिए, हम कर देते हैं। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। कोई बात नहीं, हम कर देंगे। मैं स्कूल जा रही हूँ, आप नाश्ता करके काम। अरे अभी तक तैयार नहीं हुए, आज काम पे नहीं जाने हैं क्या? अरे वो कल का मटन बिरयानी ना बहुत ज्यादा हो गया, वो थोड़े पेट में गड़बड़ी हो गई है। देखो अगर ठीक हो जाता है ना तो मैं जाता हूँ। मैं छुट्टी ले लूँ, कोई दवाई ले आऊँ? अरे नहीं नहीं नहीं, उतना ज्यादा नहीं है। देखो तुम जाओ, नहीं तो क्या तुम्हें स्कूल में देरी हो जाएगी। जाओ, अपना ध्यान रखिएगा। अरे दर्शन, प्रवीण। हाँ। अच्छा आपने सारे कार्यकर्ता वो माने शिरवाड़कर साड़ूंके सब आ रहे हैं ना? सब आ रहे हैं, क्योंकि क्या मुझे इसमें पार्टी में सबका समर्थन चाहिए, तभी मैं बात को आगे बढ़ा सकता हूँ। हाँ भाऊ, बरोबर है, लेट होने वाला है, भाऊ ने बोला था टाइम से आने का। भाऊ आपके साला सब हाल उसमें। रागिणी। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ। अच्छा सुन ना, तेरी ताई तेरे को बहुत याद कर रही है, जब तेरे को टाइम मिले तो घर पे आ जाना। ठीक है, कल आती हूँ। ओके ठीक, कल आना। बाय जीजा जी। बाय दादा। क्या रे, अपने जीजा के यहाँ तू काम करेगा, इसका मतलब जब मन में आएगा तब उठ के आएगा तू? हाँ, अरे मैं पगार देता हूँ ना तेरे को, तो टाइम पे आने का, काम करने का। तेरे को मालूम था ना इस पार्टी का मीटिंग है करके? वो रागिनी को कॉलेज में थोड़ा काम था इसलिए लेट हो गया। अरे तो बोल के जाने का ना, चलो शुरू कर, आधे घंटे में मेरे को सब तैयार चाहिए। चल 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 चल। तेरे कुत्रे सर का भागा होता तो माला भाऊजी कुछ भी बोलते हैं, अचानक भड़क जाते हैं मेरे ऑफिस में, सब लोग मजाक उड़ाते हैं मेरे। अब बात करो ना उनके साथ। देख ये तेरे और उनके बीच की बात है, मुझे बीच में मत डाल, और वैसे भी गलती तेरी है, थोड़ा पढ़ लिख लेता तो ऐसे गालियां नहीं सुननी पड़ती तुझे। एक तो उन्होंने तुझे काम पे रखा, ऊपर से तू उन्हीं की शिकायत कर रहा है। नहीं जम रहा ना तुझे तो छोड़ दे, कोई और काम ढूंढ। ठीक है, समझ रहा हूँ मैं, सब पति है ना आपके, वो कुछ भी हो जाए आप उनकी साइड लोगी, पर याद रखना ताई जिस दिन मेरी सटक गई ना बहुत भारी पड़ेगा आपको। अरे रागिणी। हाय दीदी, कहाँ है दीदी? अरे रागिणी तू लेट हो गई, तेरी ताई तो निकल गई स्कूल के लिए। दीदी चली गई? मैंने मस्त आप दोनों के लिए पोहा बनाया, अब दीदी तो चली गई, आप खा के देखो कैसा है। तूने बनाया तो अच्छा ही होगा। देखो मैं चम्मच लाती। वाह वाह वाह, मैं अपने हाथों से खिलाती। अच्छा खिला। कैसा है दीदी, जितना अच्छा नहीं है ना? अरे नहीं, कमाल, बहुत मस्त बना। तुमने जो ड्रेस मंगाया था ना, बोला था ना वो ड्रेस? हाँ मैं लेके आया, अंदर रखा है, जा। आप पोहा खाओ, मैं देख के आती हूँ। अरे तेरे जीजा को क्या समझा है तूने? हाँ रखा है जीजा जी ने ड्रेस। अरे रागिनी कहाँ देख रही है तू, वहाँ नहीं है। कहाँ है ड्रेस जीजा जी? मैं देता हूँ। देख। बहुत अच्छा है, मैं अभी ट्राई करूं? अभी? हाँ। अच्छा थोड़ा जल्दी करना क्योंकि मुझे अर्जेंट काम है। जी कर ले, मैं हूँ बाहर। ये लोग तो फोन ही नहीं उठा रहे, अब क्या करें इस बक्से का? यही छोड़ के भाग जाते। मैं तुम्हें सजा दिलवाती रहूंगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं।
क्या नाम है आपकी बेटी का? कब से लापता है? संपदा पवार नावाई साहब थी सर। दो दिन से मेरी बेटी गायब है साहब। उसके पति को भी नहीं मालूम वो कहाँ गई। मतलब शादीशुदा है? तो कंप्लेंट लिखवाने के लिए उसका पति क्यों नहीं आया? आप लोग क्यों आए? क्या नाम है उसके पति का, क्या करता है? सुनील पवार नाम है साहब, अध्यक्ष है यही एरिया का वो। सुनील पवार? सुनील बहू? हाँ। अरे उनको तो जानता हूँ मैं। तो सुनील बहू की पत्नी दो दिन से गायब है और सुनील बहू ने कंप्लेंट नहीं की? सर एक्चुअली ताइना एक स्कूल में पढ़ाती है और 17 तारीख को वो स्कूल की तरफ से लोनावला पिकनिक ही गई थी, पर दीदी को तो कल आ जाना चाहिए था और जब वो नहीं आई और मेरा फोन भी नहीं उठाया तो मैंने जीजा जी को फोन किया और उन्होंने बताया कि दीदी तो आई नहीं है वापस। और जब अगले सुबह मैंने फिर से कॉल किया तो जीजा जी को और टेंशन हो गई तो वो उसे ढूंढने लोनावला गए, शायद इसलिए ही नहीं आए। आप लोगों ने स्कूल में फोन किया? हाँ, सबसे पहले मैंने स्कूल में ही फोन किया था साहब, लेकिन वो लोग बोले कि तुम्हारी बेटी पिकनिक पे गई नहीं और जो लोग पिकनिक पे गए थे वो एक दिन पहले ही आ गए साहब। ठीक है, आप एक काम कीजिए, संपदा के फोटोग्राफ्स और डिटेल्स यहाँ गायकवाड़ के पास दे दीजिए, हम जल्द से जल्द उन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे। जी साहब, मेहरबानी होगी। थैंक यू सर। संपदा की तलाश करने के लिए हमने उसके स्कूल, घर से लेकर स्कूल तक के सभी रास्ते और आस पड़ोस में सबसे पूछताछ की, सिवाय इस जानकारी के कि 17 जनवरी को संपदा अपने स्कूल में पहुंची ही नहीं, हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। संपदा एक बहुत ही सीधी सादी, सबको मदद करने वाली नेक दिल औरत थी जिसका कोई दुश्मन नहीं था। ऐसी औरत इतने सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में अचानक गायब हो जाती है, क्यों और कैसे? सोच सोच के दिमाग का दही हो गया है, पता नहीं वो संपदा किधर चली गई। आपको पता है कितना टेंशन है मेरे को। सुनील बाबू, आपके फैमिली में आप दोनों के अलावा और कौन कौन है? फैमिली के नाम पे तो मेरे घर में सिर्फ मैं और संपदा है, बाकी एक भाड़ोतरी था, नई नई शादी करके आए थे। मुझे लगता है इन्होंने उनको रूम भाड़े पे देके बहुत बड़ा गलती किया है। आपने रूम भाड़े पे दिया था? किसको, क्या नाम था उनका? रफीक और मुमताज बेग नाम था। क्या सुनील बहू, मैंने आपसे पर्सनली मिलकर आपको हेड ऑफिस से जो रेड अलर्ट आया था उसके बारे में बताया था? मैंने नहीं रखा उनको, वो संपदा को उन दोनों ने पटाया। संपदा मानी नहीं, मैं क्या करता फिर, देना पड़ा मुझे। लेकिन वो बहुत दिनों तक रहे नहीं थे, वो बहुत जल्दी चले गए थे। आप एक पॉलिटिकल पार्टी के विभागाध्यक्ष हैं, आप इतनी बात समझते नहीं? वो लोग अगर क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे तो वैसे ही एक जगह पर बहुत दिन रुकेंगे नहीं। कब गए वो लोग? वो 17 तारीख को तो संपदा वो पिकनिक के लिए चले गई थे ना तब। और कहाँ गए? वो मैंने पूछा नहीं। अच्छा, आपने उनके बारे में कुछ सस्पिशियस कुछ ऐसा नोटिस किया? ऐसा कुछ खास नहीं, मतलब वो दोनों हमेशा अपने कमरे में रहते थे, लेकिन वो जो रफीक था ना वो थोड़ा सा अजीब था। दोनों के पास एक बक्सा था और रफीक उस बक्से से कभी दूर नहीं हटता था। मालूम नहीं था उस बक्से में क्या था। अच्छा, आपके पास उनका आईडी होगा? हाँ, कुछ एड्रेस प्रूफ होगा, कुछ तो होगा, फोन नंबर होगा, गायकवाड़ के पास दे दीजिए। नहीं, वो तो नहीं लिया मैंने, मतलब संपदा ने लिया होगा तो मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन वो रफीक के पास एक मोबाइल था, उसके नंबर लेने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। लेकिन अब लगता है वो सारे डिटेल्स लेने चाहिए थे। अब लगता है आप लोगों की वजह से ही हमारी देश में सिक्योरिटी लैप्सेस होते हैं। उनको आपके पास लेके कौन आया था? कोई लेके नहीं आया था, वो दोनों संपदा को कहाँ रास्ते में मिले थे, अभी अभी शादी करके आए हैं, सर पे छत चाहिए तो, और येड़ी सीधा घर पे लेके आई वो। उनकी शक्ल पहचान पाएंगे आप? याद है? हाँ। स्केच बनवा सकते हैं? हाँ। सर, रफीक और मुमताज के स्केच बन गए। ग्रेट, फौरन ये स्केचेस आसपास के पुलिस स्टेशन्स और हमारे खबरियों को भिजवा दो। हमें किसी भी हालत में इन्हें पकड़ना होगा इससे पहले कि ये किसी आपराधिक घटना को अंजाम दे दें। सर, सुनील पवार के कॉल रिकॉर्ड्स क्लियर है।
उसके लोकेशन रिकॉर्ड के मुताबिक वो लोनावाला गया था शायद संपदा को ढूंढने के लिए। लेकिन संपदा के कॉल रिकॉर्ड्स एज एक्सपेक्टेड नहीं है। संपदा का फोन संपदा के गायब होने के 2 दिन बाद तक मतलब कल शाम तक एक्टिव था, लेकिन उसकी लोकेशन लोनावाला की नहीं थी, यही मुमरा की थी। और उसका फोन इस दौरान कई बार स्विच ऑन और स्विच ऑफ हुआ, हर बार स्विच ऑन हुआ सिर्फ फोटोज रागिनी को भेजने के लिए। सर मुझे लगता है कोई हमें मिसलीड करने की कोशिश कर रहा है। अब ये कंफर्म हो गया गायकवाड़ कि संपदा कभी लोनावाला गई नहीं थी, वो यहीं पर थी। पर सर सबसे इंपॉर्टेंट बात, संपदा के फोन से आखिरी कॉल किया गया था 100 पे। ये कॉल 5 सेकंड के लिए चला जिसके बाद कट हो गया, और इसके बाद संपदा ने वापस कॉल नहीं किया। संपदा और ये कपल एक साथ गायब हुए, हो सकता है इस कपल ने संपदा को किडनैप किया हो। उनसे बचने के लिए जब वो 100 डायल कर रही होगी तब इन लोगों ने संपदा को पकड़ लिया और फोन कट कर दिया, और फिर किसी को शक ना हो इसलिए रागिनी को लोनावाला के पिक्चर्स भेजते हैं। सुनील भाऊ ने हमें इस कपल के बारे में ना बताकर बहुत बड़ी गलती की है। एक काम करो, 17 जनवरी को संपदा गायब हुई, उस दिन सुनील भाऊ के घर के आसपास जितने भी फोन्स एक्टिवेटेड थे उन सब के बारे में बता दो। सर हम उमरा पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर जादव बोल रहे। ठीक से देखो कुछ मिलता है क्या? मांगे वा सर, ये संपदा पावर है, सर पे बहुत बुरी तरह से चोट लगी है। लाश को पहली बार किसने देखा था? सर जबरदस्त मिटा घर है, वहां के कुछ लोगों ने सबसे पहले बॉडी देखी है। सर आपने जो फोटो भेजी थी उससे हमने मैच किया और आपको इन्फॉर्म किया। ये सर पे जो घाव हुआ इसकी वजह से मौत हुई? नहीं सर, सर है बगा 2 गोलियां पेट में मारी गई है, शायद इससे हुआ। आसपास कुछ मर्डर वेपन, इसका मोबाइल, आई कार्ड कुछ भी मिला? नहीं सर, हमने काफी ढूंढने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं मिला। रिकॉर्ड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इसके परिवार वालों को इन्फॉर्म करो, कह दो कि शिनाख्त के लिए आ जाए। सर आम्ही गुन्हा नोंदवून घेतलाय, ठीक आहे, ओके। सर संपदा की बॉडी से जो गोलियां मिली बैलिस्टिक रिपोर्ट के मुताबिक वो यूएस मेड बेरेटा गन से चले गए, और संपदा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पहले उसके सर पे वार किया गया था जिसके बाद उसे 2 गोलियां मारी गई जिस वजह से उसकी मौत हो गई। मुमरा में यूएस मेड बेरेटा गन, और वो भी एक स्कूल टीचर को मारने के लिए? गायकवाड़ ये काम जरूर उस कपल का ही है। सर 17 जनवरी को सुनील के घर के आसपास जितने नंबर एक्टिव थे उसमें से एक नंबर संदिग्ध है जिससे कई सारे इंटरनेशनल कॉल किए गए हैं। और सर ये जो दूसरा नंबर है ये तलोजा का नंबर है, इस नंबर से तलोजा के नंबर पर भी कई बार कॉल किए गए थे। सर लास्ट कॉल कल का है। एक काम करो ये दोनों नंबर्स मॉनिटर करो, और गायकवाड़ इनकी मोबाइल लोकेशन मुझे चाहिए इमीजिएटली। सर जाओ। हमें नहीं पता रियाज भाई, हमने तो इन्हें छुआ भी नहीं, हमें तो चलानी भी नहीं आती। हमारा काम इस बक्से को आपके हवाले करना था, हमने कर दिया, अब हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज। अरे ऐसे कैसे चलते हैं, हम कहाँ चलते हैं? जिस मिशन का आगाज किया है उसे अंजाम भी तो तुम्हें देना होगा ना। मतलब साहब सुनील भाऊ का और काजी का बहुत टेंशन चलता था, बहुत लफड़े भी हुए थे। पता नहीं साहब वो भिवंडी क्यों चली गई हमें मालूम नहीं साहब। संपदा समाज सेना की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा करती थी? नहीं सर, ताई ये सब से दूर ही रहा करती थी। ठीक है तुम उस पर नजर रखो पर अपडेट करते रहो। सर खबर पक्की है, तलोजा का नंबर रियाज पारकर का है जो नाम के लिए तो दुकान चलाता है लेकिन दुकान के पीछे उसका गोडाउन है जहां से वो इलीगल एक्टिविटीज करता है। रियाज जी रफीक और मुमताज कहाँ हैं?
कौन रफीक और मुमताज? बोल, तुम लोग मिलकर क्या करने वाले थे? वो कपल अब कहाँ है? बोल। नहीं बोलेगा। कर दे। सर, आना। वो बक्ता का है, ताका तोंडा। बोल। तोंडवर। अरे जबा। बोल। बोल। नहीं बोलेगा? रफीक, रफीक और मुमताज को मैं इस्तेमाल कर रहा था। सब इधर के लोकल गैंग को बड़ी तादाद में असला चाहिए था, मैंने उन्हें उसी काम में लगा दिया था। उन दोनों का हुलिया बता। हुलिया बता उनका। मेरे मोबाइल, उनका मोबाइल में। मोबाइल कुंडे मोबाइल क्यों नहीं? चल बोल, दिखा दिखा दिखा। ये दोनों आप कहाँ हैं बता? पता नहीं, कल ये कल पता नहीं कहाँ चले गए, और साथ में वो बॉक्स भी ले गए। बॉक्स ले गए? क्या था उस बॉक्स में? बैरेट गन्स, मेरा पार्सल था वो, और ब्रांड न्यू गन्स थी, लेकिन उनमें एक गन में दो गोली नहीं थी, गायब थी। कड़े अर्जुन किलो भर मिर्चा गया और सब के सब इसके मुंह में ठूस दो। जो मैं कह रहा था वही सच है। संपदा को इनकी असलियत पता चल गई और इसीलिए ये कपल उसको मारकर भाग गया। सर, उनका भागना समझ में आता है, लेकिन संपदा की बॉडी को वहां भिवंडी में डिस्पोज करना समझ में नहीं आ रहा। होगा, इसका भी कोई ना कोई रीजन होगा। और ये रियाज जो हमसे कह रहा है कि ये कपल भाग गया है, ये झूठ है। इस रियाज ने ही जरूर इनको किसी मिशन पर भेजा है और हमें उस मिशन के बारे में पता लगाकर जल्द से जल्द उन्हें रोकना होगा। हमारे पास वक्त बहुत कम है। सर, वो सुलेमान काजी को लेकर आए। एक नंबर का मक्कार इंसान है वो सुनील। मोहल्ले में हमारा जीना हराम कर रखा है उसने, हमारा धंधा बंद करवा दिया, हर रोज एक नई मुसीबत खड़ी कर रहता है वो हमारे लिए। और इसलिए तुमने उसकी बीवी को मार दिया। अल्लाह माफ करे, मैं क्यों मारूंगा उसकी बीवी को? मुझे तो लगता है कि सुनील ने खुद अपने हाथों से अपनी बीवी का कत्ल किया है, वो भी उसकी साली के चक्कर में। आपको शायद पता नहीं साहब, सुनील और उसकी साली रागिनी का प्यार परवान चढ़ रहा है। तोहफे देना, तफरी करना, घूमना फिरना तो आम बात हो गई है उन लोगों के लिए। और तुझे कैसे पता कि सुनील का उसकी साली के साथ चक्कर चल रहा है? इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते साहब। कितनी बार सुनील ने हमारे भतीजे की दुकान से कीमती तोहफे खरीदवा कर दिए हैं रागिनी को। सुनील भाऊ के घर पे ताला लगा है, कहाँ गए हैं, कब आएंगे, कुछ पता है? भाऊ तो कल से ही नहीं दिखे, कल से ही घर में ताला लगा हुआ है। हाँ बोलो। सर, बॉडी के पास पर्स और मोबाइल मिला है। देखो भाई, को सुनील पवार फोन दिखा। फोन को बुरी तरह डैमेज करने की कोशिश की गई, स्विच ऑन भी नहीं हो रहा, और सर पीठ के ऊपर एक वार भी किया है,
और सीने पे तो इतने वार किए हैं कि लगता है मारते वक्त किसी ने अपना पूरा गुस्सा इस पर निकाला है। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और वो मोबाइल लैब भेजो। सर, पीएम रिपोर्ट के मुताबिक सुनील पवार का मर्डर 22 जनवरी को दोपहर 2 से 4 के बीच में हुआ है। और सबसे खास बात यह है गायकवाड़ कि सुनील के बॉडी पर 8 से 9 इंच के चक्कू से कम 20 बार वार किए गए हैं। 20 बार, मतलब जिसने भी सुनील बहू का मर्डर किया है उसने बहुत ही गुस्से और नफरत में उसका मर्डर किया है, और इसीलिए उसका खून होने के बाद, वो मरने के बाद भी वो मर्डर उस पर लगातार वार करता रहा। सर, रफीक का फोन कुछ मिनट पहले ही मानखुर्द में ऑन हुआ है। फौरन उसकी एग्जैक्ट मोबाइल लोकेशन निकालो, हमें जल्द से जल्द निकलना होगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, सामान हम दे देंगे, आप हमारे मतलब की बात कीजिए। जी हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, गर्दन के पीछे, सर के पीछे। जनाब अब चुप, चल दीवार के पास, घुटने पे, घुटने पे कर दे, हाथ चेक कर सर। जनाब कुछ कुछ नहीं है जनाब, आप रोक दूंगा, चुप रहे सर। फिर पेटी मिला सर, जनाब जनाब हमारा नहीं है जनाब, ये हम सच कह रहे हैं सर, वो असला हमारा नहीं है, हमें तो बस उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाना था ताकि हमें नई पहचान मिले, बाकी की जिंदगी सुकून से कट सके। रियाज भाई से हमने चोरी इसलिए की थी क्योंकि हमें पता था कि अगर हम नहीं करेंगे तो वो किसी और को मजबूर करेगा कत्लेआम करने को। जनाब हम सच कह रहे हैं, वो हथियार तुम्हें एक नई जिंदगी देने वाले थे। मतलब जनाब हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, पर हमारे घर वाले कास्ट की वजह से हमारे निकाह के खिलाफ थे, इसलिए मेरा दोस्त मुझे असलम के पास ले गया। उन्होंने कहा अगर हम ये बक्सा खैरियत से रियाज भाई के पास मुंबई पहुंचा दे तो हमें नहीं पहचान देगा और हम दोनों को बंगलुरु में नौकरी भी देगा। तुम जानती थी उस बॉक्स में क्या है? नहीं, खुदा कसम हमें जरा भी अंदाजा नहीं था। और तुम? मुझे इल्म था हमें, मगर हमने मुमताज को इसे अनजान रखा। मैं मुमताज से किसी भी कीमत पर निकाह करना चाहता था, इसलिए हम दोनों बक्सा लेकर मुंबई आए और सुनील पवार के घर पे रेंट पे रहने लगे। मैं दिन रात रियाज पालकर को फोन लगाता ताकि वो बक्सा ले जाए और ये मुसीबत टले, पर एक दिन सुनील ने पता कर लिया उस बक्से में क्या है। तुमको मालूम है मैं कौन है? इस पूरे एरिया का अध्यक्ष है मैं। अब तुम दोनों तो गए, पुलिस यहां से तुम्हें कुत्ते की तरह खींच के ले जाएगी, और अध्यक्ष होने के नाते मुझे पुलिस को तो बताना ही पड़ेगा ना। उसके बाद वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। अच्छा तू नीचे बैठा है, पैर पकड़ा है, इसलिए बचाता हूं मैं तुम दोनों को। चलो उठो, 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 उठो। चलो भी बाहर जा। बाहर क्यों? तुम दोनों को बचाने के लिए मैं इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूं, थोड़ी सी कीमत तुझे क्या, इसको तो चुका नहीं पड़ेगा। मुमताज के साथ जबरदस्ती करने लगा, हमें समझ नहीं आ रहा था क्या कह रहे। हमें संपदा आपा की याद है, उनके पास जाके हमने सब तफसील से बता दिया, पर शर्म नहीं आती उनके बारे में इतना घटिया झूठ बोलते हुए? वो ऐसी गंदी हरकत कभी नहीं कर सकते। उन्होंने जरा यकीन नहीं किया, पर अगले दिन अपनी आंखों से सब देख लिया। वो स्कूल की तरफ से पिकनिक जाने के लिए निकली पर 15 मिनट बाद ही वापस आ गई क्योंकि वो अपना फोन घर पर ही भूल गई थी। इसका मतलब ये लोग सच बोल रहे थे, मैंने
की बात पे भरोसा नहीं किया, तुम पर आग बन करके मैंने भरोसा किया, तब ये सब। संपदा, अरे तू गलत समझ रही है, इनको थोड़ा सा सबक सिखा रहा था। मेरे को मालूम नहीं ये लोग क्रिमिनल है, अरे घर का बक्सा लेकर घूम रहे हैं, तेरे को बेवकूफ बनाया इन लोगों ने। ये लोग तो पराए, लेकिन आपको क्या हो गया, तुमने पुलिस को खबर क्यों नहीं की? तुमने मुझे धोखा दिया है, छोड़ने वाली नहीं हूँ मैं तुम्हें, पुलिस को जाके अभी सब बता दूंगी मैं। ये संपदा रुकना, मेरी बात सुन रहे, मेरी बात सुनो, मैंने कुछ नहीं किया, तू कहाँ जा रही है, तू रुक जा। अरे संपदा क्या कर रही है तू ये? मैं तुम्हारी करतूतों के बारे में पुलिस को बता के रहूंगी। तू ऐसा नहीं करेगी, तू क्या करेगी? कुछ नहीं, सुन ले मुझे। हमारे कमरे में बंद कर दिया, संपदा भाभी को गाड़ी में लेकर निकल गया। उसके पास गन कहां से आई? जनाब वो गन उसने हमारे बक्से से निकाली थी, जिस दिन उसे बक्सा मिला उसने अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद? उसके बाद वो निकल गया और कुछ घंटे बाद प्रवीण के साथ वापस आया और हम दोनों को घर से बाहर निकालने लगा। इसका मतलब ये प्रवीण भी इन्वॉल्व था? सुनील ने ही नहीं, प्रवीण ने भी मेरे साथ एक बार नहीं कई बार जबरदस्ती। लेकिन हम ये कैसे मान ले कि तुम दोनों सच कह रहे हो? जनाब हम मानते हैं कि हम गलत हैं, मगर ऊपर वाला गवाह है कि हम सच बोल रहे हैं। इसके बाद हमें हमारे लिए कुछ नहीं बोलना, आगे आगे अल्लाह मालिक। तुम दोनों ने सरेंडर नहीं किया, इसलिए जब तक प्रूव नहीं होता तब तक तुम दोनों सस्पेक्ट ही रहोगे। ले जाओ इनको, चल दे। तू जब तक बोलेगा नहीं हमारे हाथ रुकेंगे नहीं। बोल। साहब भाव की मर्जी से ही मैं मुमताज के साथ क्या जबरदस्ती करता था साहब। दादा साहब तेरे सुनील भाव की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी क्या? साहब आगे बोल, आगे क्या हुआ बोल। साहब भाव मेरे को फोन करके बुलाया, मैं उनको रास्ते में मिला, देखा तो संपदा वहिनी के सर से खून बह रहा था, वो बेहोश थी। फिर हम लोग उधर से भिवंडी चले गए सुनसान जगह पे। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें सजा दिलवा के रहूंगी। आगे क्या हुआ बोल। बता दो साहब। फिर भाव ने वहिनी का फोन मेरे पास दिया और बोला कि थोड़ी थोड़ी देर बाद चालू करने का और इंटरनेट से लोनावला के फोटो रागिनी को भेज देने का। फिर उसके बाद उन्होंने वो फोन तोड़ के फेंकने के लिए कहा। ये सब चीज भाव ने जेल में जाने से बचने के लिए वहिनी का मर्डर किया साहब। और तेरे सुनील भाव को क्यों मारा तूने? माँ कसम साहब मैंने नहीं मारा। मुमताज पर रेप करने के जुर्म में और संपदा के मर्डर में मदद करने के जुर्म में तेरे को अरेस्ट करता हूँ। रफीक के पास मिले बरेटा गन के बॉक्स ने और प्रवीण के बयान ने यह साबित कर दिया था कि संपदा का मर्डर उसके पति सुनील पवार ने ही किया था। लेकिन अब ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही थी कि सुनील पवार का मर्डर किसने किया। और तभी सुनील पवार का टूटा हुआ फोन रिपेयर होकर हमारे पास आया और उससे हमारी इन्वेस्टिगेशन को एक नई दिशा मिली।
तुम्हारी ये तस्वीर हमें सुनील के मोबाइल में मिली। सच बताओ रागिनी, तुम्हारे और सुनील के बीच एग्जैक्टली क्या चल रहा था? सर मुझे सच में नहीं पता कि जीजा जी मेरी फोटो क्लिक कर रहे थे। अगर तुम्हें सच में पता नहीं था तो इस तस्वीर में तुम सीधा कैमरे के लेंस में देखकर स्माइल क्यों कर रही हो? रागिनी सच सच बताओ, वरना पाटिल मैडम तुमसे सच उगलवा लेंगी। नहीं सर, सर हमारा कोई अफेयर ही नहीं था, सिर्फ जीजा साली का मस्ती वाला रिलेशन था, हम बस फ्लर्ट करते थे सर, बाकी और कुछ था ही नहीं, वो सब नहीं था, मतलब फिजिकल नहीं था सर। और तुम्हारी ये ऐसी फोटोज है, ये तुम्हारे अलावा और किसी को पता है? वो रफीक, उसको मालूम है सर। तूने जो ड्रेस मंगाया था ना, बोला था ना, वो ड्रेस? हाँ, मैं लेके आया, अंदर रखा है, जा। आप पोहा खाओ, मैं देख के आती हूँ। सुनील पवार ने रागिनी की कपड़े बदलते हुए तस्वीरें निकाली थी, तूने ये बात हमें क्यों नहीं बताई? जनाब वो ऐसा कुछ हमें याद नहीं आया, हम तो वहां गलती से मौजूद थे, और वैसे भी उस बेगरत बेशरम आदमी के बारे में ये जान के कौन सा कुछ नया जान लेते हैं आप? गलती से मौजूद था, लेकिन इस गलती का तो फायदा खूब उठाया होगा तूने। बता किस किस को बताया इस बारे में? संपदा को, जयदेव को? पूरे घर की तलाशी ले लो, कोई भी कोना छूटने ना पाए। चलो बाहर चलो। बाबा, सर एक जेब में चाकू मिला और इसके ऊपर खून के दाग है। सर फाइल। जयागर जी, आपके कॉल रिकॉर्ड ये बता रहे हैं कि 22 तारीख को दोपहर को 1:30 बजे आपने अपने दामाद सुनील पवार को फोन किया था। किया था? हाँ साहब। तो क्या बात हुई आपकी? अब मुझे याद नहीं साहब क्यों किया था। तो इसका मतलब आपको याद दिलवाना पड़ेगा। क्या? पाटिल भाई, करड़े इन दोनों को तब तक मारते रहो जब तक इनको याद ना आ जाए। आप साइड में आ जाइए, आप सीनियर सिटीजन हैं। ये क्या कर रहे हैं साहब? आइए आइए। कुछ नहीं किया साहब, सुनील का खून मैंने किया है साहब, मैंने खून किया है सुनील का, मैंने। क्यों साहब? वो मेरी बेटी रागिनी की गंदी तस्वीरें खींचता था, वो रागिनी को महंगे महंगे तोहफे देकर फंसा रहा था, उसके साथ अफेयर कर रहा था, वो मेरी दोनों बेटियों के साथ खेल रहा था साहब, मुझे पता नहीं था कि वो इतना घटिया इंसान था। मैंने जब उसे मारा तब तक मुझे पता नहीं था साहब कि वो संपदा का भी खूनी है, वरना मैं उसे पहले ही खत्म कर देता। उस दिन मैंने उसको फोन करके बुलाया था। बेटे मुझे बहुत चिंता हो रही है, मालूम नहीं पुलिस को क्यों लग रहा है कि संपदा का खून तुमने ही किया है। पुलिस तुम्हारे बारे में पूछताछ करने आई थी। बाबा अब मैं क्या करूं? एक काम करते हैं, टेम्पल रोड के पीछे मिलते हैं, बाद में सोचेंगे क्या करना है।
गायकोड चार्जशीट बनवा। प्रवीण को मुमताज पर रेप करने के और संपदा के मर्डर में भागीदार होने के जुर्म में सजा मिली और दिवाकर राव को सुनील पवार के मर्डर के लिए। लेकिन इस केस में सही माने में विक्टिम थी मुमताज बेग। सुनील और प्रवीण जैसे लोगों ने उसकी अस्मिता को ठेस पहुंचाई। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश यादव आपसे विदा लेता हूं। दोबारा मिलूंगा, तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं बचाना है। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।